हर महादेव। जय महादेव। दोस्तों अभी हम भस्म आरती के लिए जा रहे हैं, अभी रात के 1 बजा है, अभी हम महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वहाँ भस्म आरती करेंगे और अगर वहाँ पे जो वीडियो उतारने देंगे तो आपको भी दर्शन हम करवाएंगे। महादेव हरे हरे भोले नमः नमः। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो शिव महापुराण कथा लगाई थी वो लोग भी सब लोग हम साथ में भी रात का 1 बजे भस्म आरती के लिए जा रहे हैं। महादेव महादेव महादेव। देखिए अभी हम शिप्रा नदी के ब्रिज से पार हो गए, अभी मंदिर की ओर जा रहे हैं। बहुत बड़ा संघ साथ जुड़ गया है। जय भोलेनाथ। देखिए दोस्तों रात का 1 बजे है, हम भस्म आरती के लिए जा रहे हैं। उज्जैन की गलियों से निकल रहे हैं बम बम भोले के नाद के साथ। उज्जैन के अंदर द्वारकाधीश मंदिर है, गोपाल मंदिर है और काफी बड़ा भी है, हम सुबह यहाँ पे भी आके दर्शन करेंगे। आप इधर जाओ, सब जो आ जाओ सब आ जाओ। देखिए दोस्तों वो सामने शिखर है, वो महाकाल मंदिर का शिखर है, आप दर्शन कर सकते हैं। अभी रात के 1:45 हुई है। जय महादेव। देखिए दोस्तों अभी रात के 2 बजने आए हैं, सूरत से सब आए हैं, वो भी हमारे साथ ही, हम सब साथ मिलके ही भस्म आरती लेने जा रहे हैं। हर महादेव। देखिए दोस्तों अभी हम महाकाल मंदिर के कैंपस के अंदर कॉरिडोर के अंदर आ गए हैं। देखिए दोस्तों ये भस्म आरती की लाइन है। महादेव महादेव। दोस्तों देखिए अभी रात के 2:45 है। महादेव महादेव। देखिए दोस्तों अब हम एकदम मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं। शूटिंग
अपने जो रुद्राक्ष के पाए हो, रुद्राक्ष की माला है वो ज्योतिर्लिंग से स्पर्श करवाई और अब हम बाहर निकल रहे हैं। अभी करीब सुबह के 5:30 बज गए हैं। जय भोलेनाथ। देखिए दोस्तों, महाकाल मंदिर का ही परिसर है। यहाँ पे श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज का मंदिर है। एक दूसरे काम करो। ये दोस्तों, अभी हम उज्जैन में हरसिद्धि माता का जो शक्तिपीठ है वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। इधर आ जाओ। देखिए दोस्तों, ये हरसिद्धि माता की शक्तिपीठ है। देखिए दोस्तों, ये शिप्रा नदी है, यहाँ सभी लोग स्नान करते हैं, फिर महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये शिप्रा नदी का घाट है और हम कल रात यहाँ पे रुके थे गुरु दत्तात्रेय झुना अखाड़े पे। देखिए दोस्तों, ये लोग सब यहाँ शिव पुराण में आए हैं और अभी हम निकलने वाले हैं ओमकारेश्वर के लिए। बीच में काल भैरव होते जाएंगे और इन सब से अभी हम कल्पेश भाई से मिल रहे हैं। जय भोलेनाथ। दोस्तों देखिए, आज सूरत से कल्पेश भाई को मिलने के लिए कमलेश भाई, राज भाई, मोहित भाई, वो सब अभी यहाँ उज्जैन आए हैं। जय भोलेनाथ। देखिए दोस्तों, ये लोग भी सूरत से आए हैं और अभी कल्पेश भाई से मिले, अभी वो स्नान करके अभी दर्शन करने जाएंगे और तब तक हम चल के काल भैरव जाएंगे, तो वो वहाँ भी पहुँच जाएंगे दर्शन करके, वहाँ भी हम लोग साथ में दर्शन करेंगे। जय भोलेनाथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम अभी चाय पी रहे हैं, बाद में यहाँ पे नाश्ता भी करेंगे, फिर हम निकलेंगे। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, स्वामीनारायण। दोस्तों देखिए दोस्तों, अभी हम उज्जैन में काल भैरव के दर्शन करने आए हैं।
देखिए दोस्तों, यही कार भैरव का मेन गेट है। देखिए दोस्तों, अभी हम कार भैरव के दर्शन के लिए अभी लाइन में खड़े हैं। कल्पेश भाई भी आगे खड़े हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम मंदिर के गेट के अंदर जाएंगे, शायद वहाँ पे वीडियो बाप का मना होगा तो आपको दर्शन हम नहीं करवा पाएंगे। अब देखते हैं अंदर जाके। जय काल भैरव। देखिए दोस्तों, बहुत ही भीड़ है। देखिए दोस्तों, ये काल भैरव के प्रसाद की थाली है। देखिए दोस्तों, कल्पेश भाई उसने भी दर्शन कर लिए और वो यहाँ बैठे ढोल के ताल पे मजा कर रहे हैं। जय भोलेनाथ। दोस्तों देखिए, महादेव जिनके सभी सभी आ गए हैं, अभी ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग तक साथ रहेंगे और वहां दर्शन करेंगे, फिर ही वो वापस सूरत जाएंगे। जय महादेव। दोस्तों देखिए, अभी हम काल भैरव से सुबह 9:30 बजे निकल गए थे और इंदौर अब यहाँ से 35 किलोमीटर जितना है, तो आज हम और 10-15 किलोमीटर चल के फिर आराम करेंगे और कल आगे बढ़ेंगे। ये सभी महादेव टीम के मेंबर है, जब भी कोई ज्योतिर्लिंग के नजदीक पहुँचते हैं तो ये लोग चलने के लिए आए। जय महादेव। अभी शाम के 6:15 हुई है और कल रात को हमने पूरी रात महाकाल के सामने भस्म आरती में बिताई थी, इसलिए हम सोए भी नहीं थे। फिर भी आज हम और 1 घंटा चलेंगे और आज जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलेंगे और रेस्ट भी हो जाएगा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। दोस्तों अभी हम इंदौर से करीब करीब 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ बीच में श्रीनाथ रेस्टोरेंट है और साथ में गेस्ट हाउस भी है, तो वहाँ पे गेस्ट हाउस में आज हम रुकने वाले हैं। और जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में आज हम खाना खा रहे हैं और ये सूरत से जो महादेव टीम आई है वो सभी मेंबर साथ में है और ओमकारेश्वर तक दर्शन करके ही वापस जाएंगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ जो श्रीनाथ रेस्टोरेंट है उसका यहाँ पे ही गेस्ट हाउस है, तो उसमें हमने आज दो रूम रखी है और आज रात हम यहीं गेस्ट हाउस में रात्रि विराम करेंगे और सुबह जल्दी निकल जाएंगे कि जल्दी से जल्दी ओमकारेश्वर जाके दर्शन कर सकें।